आज पूरे महाराष्ट्र के जितने भी ज़िले हैं, उन ज़िलों के जितने भी हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी है, ऑफिस बेयरर्स है, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया था और एक रिव्यू लिया गया है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ पे कैसी पोजीशन है, आने वाले विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए कहाँ कहाँ पर मजलिस इलेक्शन लड़ सकती है, कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, इन बातों के ऊपर चर्चा की गई है। बहुत पॉजिटिव रहा है और जो लोगों का एंथुजियाज़म, जो लोगों का जोश है, वो यकीनन जोश बरकरार है। लोगों के अंदर इस बात को लेकर नाराज़गी है कि विधान परिषद के इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ का जो रवैया रहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन विधान परिषद के अंदर भी और लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भी, हमने हमेशा से ये मांग की थी कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी। तो अगर आपको टिकट ही नहीं दिया जा रहा है तो आप सोचिएगा कि आपका इस्तेमाल सिर्फ है तो वोट बैंक के तहत किया जा रहा है, आप वोट देते रहो। और वही चीज़ बाज़ाब्ता अच्छी तरह से जानते हुए कि लोकसभा के अंदर ये जो सेक्युलर पार्टी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ को जो वोट मिला है, उसके अंदर मुसलमानों का, दलितों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके बावजूद भी उनका एहसान चुकाने के लिए विधान परिषद के मौके के ऊपर एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। और आज तकरीबन 40 साल के बाद ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मुस्लिम मुक्त विधान परिषद महाराष्ट्र की हो गई है। तो ऐसे हालात के अंदर मजलिस पूरे महाराष्ट्र का रिव्यू ली है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं, हमारे हैदराबाद के एमएलए बलाला साहब आए हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं उनके साथ चर्चा हुई है और बहुत जल्द इसके ताल्लुक से फैसले लिए जाएंगे। क्या हुआ बोलिए, आपकी क्या? देखिए, अभी आज के दिन हमने एक रिव्यू लिया है कि कहाँ कहाँ पे हम स्ट्रांग हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर। तो नंबर्स तो मैं नहीं बता सकूँगा, लेकिन यकीनन हम काफ़ी अच्छी जगहों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। बोलिए। देखिए, आज की पोजीशन के अंदर तो हम अकेले हैं। अगर कहीं पर कोई अलायंस की अगर बात होती है, कहीं से कुछ चर्चा शुरू होती है, तो उसको पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ चर्चा करके उसके ताल्लुक से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आज की पोजीशन के अंदर ऐसा किसी के साथ कोई बातचीत चालू नहीं है। कुछ दिन पहले मनोज जरांगे जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में मुस्लिम, दलित और बाकी जो पिछड़े वर्ग है उनको साथ लेकर महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव वो लड़ने वाले हैं। तो MIM इसके बारे में क्या सोचती है, क्या सोच है मनोज जरांगे जी के इस पर्याय के बारे में? वोट डालने वाले बन गए, सिर्फ वोट लेने वाले नहीं बन रहे हम। और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुसलमान को ना टिकट देते। पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस ने एक भी मुसलमान टिकट नहीं दिया। खैर, नरेंद्र मोदी तो बोल दिए हमको हम घुसपैठी हैं, तो कहाँ घुसपैठ टिकट देंगे वो। तो हम तो सिर्फ वोट डालने वाले बन गए और एक कैंडिडेट था, पूरे मिलके उसको हराने पे बैठ गए। तो ये औरंगाबाद से जो वर्डिक्ट गया है, ये MIM पार्टी नहीं जीती मत समझिए, बल्कि महाराष्ट्र का एक एक मुसलमान ये कह रहा है कि भाई तो हमारी आवाज़ थी इम्तियाज जलील हमारी एक पॉलिटिकल एक शख्सियत थी जिसको सब ने मिलकर हराया। आज इलेक्शन तो हो गया मगर सब जगह से तकलीफ यही है कि भाई हमने आपको परभनी में वोट दिया, हमने आपको नांदेड़ में वोट दिया, हमने आपको धूलिया में वोट दिया, हमने आपको मुंबई में वोट दिया, थाने में दिया, आपको हर जगह दिया, मगर जब इम्तियाज जलील का नाम आ गया सबके सब सूंद हो गए। तो ये एक मैसेज है ये। लेकिन बात तो 25 की वजह से जीते थे ना,
हाँ पिछली बार वंचित साथ में थे इसलिए जीते थे। नहीं नहीं आपका ये सवाल है या आपका ये मानना है? नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर आप जर्नलिस्ट है तो अपने ऑब्जर्वेशन आप में तक रखिए, आप सवाल करिए मेरे से, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मैं डिसएग्री करता हूँ उसको। ओवैसी साहब आपके पूरे वंचित की वजह से जीते थे इस शहर में, ये साथ की वजह से जितने आपने भाषण किए थे उतने हमने पूरे सुने हैं। हाँ। इस लोकसभा चुनाव में आपने कहा था कि जो भी गलतियां हुए हैं वो छोड़ दो और इकट्ठा आके इम्तियाज जलील को जिताओ, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो मुस्लिम बहुल भाग है जिसमें पूर्व मतदार संघ है और मध्य मतदार संघ है वहाँ भी आपको लीड नहीं मिली जितने पिछले साल थी, मतलब पिछले इलेक्शन में थी। ऐसा ऐसा महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार है, मैं बता रहा हूँ मुस्लिम उनके साथ क्यों नहीं रहे? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी वोट मिला हमको, मगर हर जगह पर आप देखेंगे कि गद्दार रहते हैं, मीर जाफर मीर सादक तो हर जगह पर है, तो मीर जाफर मीर सादक को तो लोग जान चुके हैं ना, ये मीर जाफर मीर सादक तो हर जगह हैं, और मीर जाफर मीर सादक को तकलीफ इस बात की रहती है कि भाई ये नहीं जीतना चाहिए, और ये मीर जाफर मीर सादक जो है ये हर पार्टी के जरखरीद गुलाम हैं जो अपना काम करते रहते हैं। ये लोग पार्टी में भी है आपके? हाँ ये लोग आपकी पार्टी में भी है? नहीं नहीं उनके ऊपर कुछ नहीं, नहीं देखिए ये औरंगाबाद की जनता जानती है इन लोगों को, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, और इंशाल्लाह इनको सबक मिलेगा। सर आज मनोज जरा के साथ औरंगाबाद में है और आप भी हैं, क्या उनके मुलाकात के लिए जाने वाले? अरे ये आप लोग मेरे को न्यूज़ बनाने के लिए मेरे को क्यों इस्तेमाल करते हैं यार? नहीं नहीं ऐसा कोई है ही नहीं प्रोग्राम, हमारा यही प्रोग्राम है, अभी आप लोग जा रहे थे बोल के जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए आपके आपकी सहूलत के लिए ताकि हमारी न्यूज़ भी आ जाए, उनका बड़ा मालूम हुआ मेरे को आने पर मालूम हुआ। सर महाराष्ट्र में एक योजना ये लाटरी बचत, लेकिन लाटरी भवन बोल के एक योजना महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है, उसमें एक मनसे के नेता ने ऐसा कहा है कि इसका लाभ जो है तो मुस्लिम को ना दिया जाए क्योंकि उनको दो बीवी रहते हैं, उनको बच्चे ज्यादा रहते हैं, उनको चार बीवी। अच्छा तो जिसकी मिस्ट्रेस है थी उसको भी मिलना नहीं मिलना, जिसके माने जो शादी नहीं करके लिव इन रिलेशनशिप करके बच्चे भी हो जाते उनको मिलना नहीं मिलना? हाँ अब आप बोलेंगे नहीं जो बाप शराब पीता उसकी बेटी को नहीं मिलना, तो पूरे के पूरे आउट हो जाएंगे फिर, तो तानिक पूरा पीते 6 बजते की, तो ये हर चीज़ मुसलमान को ला लेना कि बच्चे ज़्यादा पैदा करते, क्या वही बोले ना बच्चे ज़्यादा पैदा करते, वो पागल है बोलने वाला, उन्हें अगर पढ़ लिखता थोड़ा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ लेता वो दीवाना तो उसकी आंख खुल जाती कि TFR रेट गिरा है, तो जाहिल है उन्हें, उसको सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, नफरत करो मुसलमानों से, जैसा नरेंद्र मोदी अपना भाषण बोले थे पार्लियामेंट में कि घुसपैठी है, बच्चे ज़्यादा पैदा करते और मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस खींच कर लेके जाएंगे, तो उन्हें बोल रहे ज़्यादा बच्चे पैदा करते। अरे प्यारे तुम जिसके इशारों पर कठपुतली बने हुए है, नरेंद्र मोदी को भी 6 भाइयाँ हैं, अमित शाह को 6 बहनें हैं, अब उसका जिम्मेदार कौन है? अब कौन जिम्मेदार है उसका बोलो ना। तो ये अगर वो एम्पिरिकल एविडेंस पढ़ते तो खैर आपके जरिए से उनको ज्ञान मिल गया आज। बहुमत में नहीं, कौन सी सरकार? मोदी सरकार अभी वर्तमान सरकार। हाँ अगर कल बहुमत करने के लिए वोटिंग का वक्त आता है तो आपकी आपकी उस पर क्या स्थिति है, मतलब आप किसके फेवर में हैं? अरे हम ही तो लड़ रहे हैं मोदी से, घुसपैठी हमारे को बोल दिए, ममता बनर्जी घुसपैठी बोले, मंगलसूत्र छीन के चोरी का हमको देने का किसका बोले, हमको बोले मुस्लिम कम्युनिटी को बोले, किसकी भैंस चोरी करके दी जाएंगी चोरी का हमको बोले, अरे पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बीजेपी ने जीता ना, जीते सीट जीते। सुनिए सुनिए सब बुलडोजर चल रहा है किसके घर पे, मुसलमानों घरों पे, 8 मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया 4 जून के बाद मुसलमानों से,
अरे भाई निशाना तो हम बन रहे हैं ना, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की, इलेक्शन में भी कर रहे, जान भी हमारी जा रही, घर भी हमारा टूट रहा, बच्चे ही हमारे जेल को जा रहे, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की। ऑनेस्टली अगर देखा जाए जो CSDS का डेटा है वो डेटा ये बताता है कि मुसलमान जो वोट बीजेपी को दिए थे 2014, 19 और 24 में, मोर और लेस इट वॉज द सेम दूसरी कम्युनिटीज का, बड़ा थोड़ा कम हुआ। और असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील जब MP थे हम दोनों, तो 2019 जुलाई में UAPA का अमेंडमेंट लाया गया था, उसकी तो मुखालिफत हम करें, कांग्रेस पार्टी साथ दी ना उसका। आप लोग क्यों नहीं भूल, आप लोग ये पूछते नहीं उन लोगों से, आपको पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, NCP से पूछना चाहिए कि आपने UAPA क्यों सपोर्ट किया, जिसकी वजह से स्टैन स्वामी एक 85-year-old बूढ़ा मर गया जेल में, भीमा कोरेगांव के लोग जेल में रहे, बच्चे जेल में आज भी। आप हम ही तो अपोज कर रहे पार्लियामेंट में, हम लोग हमेशा अपोज करें, और अगर कल ऐसा जरूरत पड़ेगी यकीनन हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, मगर हर चीज पे टारगेट तो हम है ना, नुकसान तो हमारा हो रहा, हमारी पार्लियामेंट में हमारी मेंबरशिप रिप्रेजेंटेशन 4% है, अपर कास्ट का OBC का बराबर हो गया, जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान दलित आदिवासी है, घर सबसे ज्यादा बुलडोजर से तोड़े जा रहे हमारे मुसलमानों के, लव जिहाद हमारे पे इल्जाम, तो हर चीज का हम पे सवाल भी हमसे होता है, मर रो मैं और मेरे को बोलेंगे तुम उनका साथ देंगे नहीं देंगे। अरे भाई आपकी तो सवाल कम से कम हकायक को देख कर तो करो ना। नहीं नहीं मैं बोल दिया आपका, आप नहीं नहीं मेरा, आपको आपको सवाल का जवाब दे दिया। अगर ये आप ये नहीं कि पूछते कि भाई आप इम्तियाज जलील क्यों हरा है, आप लोग इम्तियाज जलील क्यों हरा है ये पूछना चाहिए लोगों को, एक MP था मुस्लिम, आप हरा है उसको, 48 लोकसभा सीट में एक मर्द खड़ा हुआ था जिसका नाम इम्तियाज जलील था, पूरे मिलके उसको हराने पे लग गए। सुने एक मिनट ठहरिए, आप गिराने की बात कर रहे हैं, इम्तियाज जलील गिराने में सबका हाथ है, कोई सामने से हमला करा, कोई पीछे से करा, कोई साइड से करा, वो सब महाराष्ट्र की जनता देख चुकी है। सुनिए 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 सुनिए, आपका सवाल हो गया, जवाब सुनो बाप, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम लड़ते हैं, हम जीतने के लिए लड़ते, किसी को हराने के लिए गिराने के लिए नहीं। ये कोई कुश्ती का दंगल नहीं है कि चित करके गिरा देना, कि बॉक्सिंग मैच नहीं है पंच मार के गिरा देना, एक जमहूरियत डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फाइट होती है। प्रकाश अम्बेडकर को आपने 100 सीटें मांगी थी तब आप साथ में थे। नहीं आपको नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको नहीं मालूम, झूठ बोल रहे हैं आपको आपको झूठ बोल रहे हैं। देखिए देखिए, आप सवाल करिए, अपना ऑब्जर्वेशन मत दीजिए, आपको ऑब्जर्वेशन है बाहर लिख जाइए, एज अ जर्नलिस्ट आप सवाल करिए, मैं सुनने तैयार हूँ, मगर अलायंस क्यों टूटा जब मैं किताब लिखूंगा बताऊंगा आपको, मगर हमारी वजह से नहीं टूटा अलायंस। आने वाले क्या वक्त में किससे, अब कौन अलायंस करना चाह रहा हमसे, कोई बात करेंगे तो हम बात करेंगे, अभी तक तो कोई बात नहीं करे, कोई बात ही नहीं हुई अभी किसी से हमारी। सर मोदी हाँ, मोदी हुकूमत इमरजेंसी हालत है, ऐसा संजय राउत ने कहा है, मोदी हुकूमत इमरजेंसी हालत में है, इस तरह का है मोदी दौरे हुकूमत, इमरजेंसी यकीनन इंदिरा गांधी ने नाफिद किया था। नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे ज्यादा UAPA का इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर हुआ। नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर है 10 साल में सबसे ज्यादा घर तोड़े गए बुलडोजर से मुसलमानों के। मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी मगर 10 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हुई। जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, मुसलमान एक पॉलिटिकल आउटकास्ट हो गया,
अब तो सेकुलर पार्टीज भी सिर्फ बोलती वोट डाल देना, मगर कोई साथ ठहराने तैयार नहीं है। औरंगाबाद की सीट हमारे में का काफी बड़ा हाथ है। हाँ? का है। अच्छी बात। जो तीसरा सवाल बोलिए, मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं, हम तो चाह रहे कि मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम ये भी चाहेंगे कि मुसलमान महाराष्ट्र के जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं, जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने एजुकेशन में अलाउ किया, तो हम ये चाहेंगे कि उसको कंटिन्यू करें। उसको क्यों नहीं देते आप? भाई एक मेरा सवाल मुझे जवाब मुकम्मल होने दीजिए। और रिजर्वेशन का वो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है मुसलमानों के फेवर में। एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कहा कि 50% के ऊपर जा रहा है इसलिए हम नहीं दे सकते। तो आज भी हम इस बात का डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट और मोदी अपने आप को पार्लियामेंट में खड़े होकर सीना पे हाथ मार के बोले बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूँ। तो नरेंद्र मोदी अगर वाकई में बैकवर्ड क्लास से मोहब्बत करते हैं, जो इस देश की 50% ज़्यादा आबादी है, तो पार्लियामेंट में बिल लेकर आओ। आप 50% की जो लिमिट को ब्रीच करो, पूरे पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेंगे उसको, लेकर आइए ना बिल आप। और यकीनन मिलना चाहिए, जहां पर आप हम मराठाओं को मिलना चाहिए वहीं पर मुसलमानों को भी मिलना, मुसलमान के नहीं, मुसलमान जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन 24 साल का अरसा गुजर चुका है, 1999 में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो उस बीच में जो है नहीं नहीं हाईकोर्ट का ऑर्डर जो आप बोल रहे हैं 2014-15 का है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है जाते जाते वो उसको इशू कर दिए जीआर को, वो हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ था। तो हाईकोर्ट का जजमेंट इतना वो चल रहा ज़रूर, मगर जो मराठा समाज आज खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ रहा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी इनको देखना चाहिए और इनसे हमको सीखना चाहिए। हाँ, ऐसा है ना कि मैं हमारे जरांगे साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उनके इस आंदोलन की वजह से 8 मराठा MPs कामयाब हुए मराठवाड़ा में, और महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान MP नहीं है। महाराष्ट्र में OBC समाज के MP जीत कर आए, मगर एक भी मुसलमान MP नहीं जीता। तो ये भारत की जो हमारी जमहूरियत है, हम ये दावा करते कि हमारी जमहूरियत, हमारी लोकशाही जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आपका हर समाज का MP जीत कर जाता है महाराष्ट्र से, और एक समाज का कोई MP नहीं जीतता है तो मुसलमान समाज का है। तो ये बात इन तमाम जिम्मेदारों को सोचने की ज़रूरत है, और हमारी कोशिश यही है कि जो औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब को कामयाबी नहीं मिली, इसका ना सिर्फ महाराष्ट्र के पूरे मुस्लिम समाज में एक गम है, एक गुस्सा है, और वो गम और गुस्सा ये कह रहा है कि भाई हर समाज का आदमी जीत रहा है, हमारा एक MP था मुस्लिम समाज का, उसको हराने के लिए सब मिलकर उसको हरा दिए। तो ये सच्चाई है, और भारत की पार्लियामेंट में आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अपर कास्ट और बैकवर्ड OBC अदर बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो चुका है भारत की पार्लियामेंट में। और किसी समाज का अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% है, 14% आबादी भारत में मुसलमानों की है, और सिर्फ 4% MP जीत कर आ रहे, तो ये आखिर ये मुसलमानों से उनको वोट डालने के लिए क्यों पीछे हट रहे?
मुसलमान तो झोली भर भर कर वोट डाला ना सबको। हम सब जब डाल रहे हैं वोट तो हमको क्यों नहीं वोट डालते? तो ये सवाल मेरा ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, ये तमाम लीडर्स से, और ये सवाल मुसलमानों को भी सोचना है। हम वोट डालने वाली मशीन तो नहीं है ना, हम तो एटीएम नहीं है कि तुम आओ और हमको दबा दो और हम डालते जाए वोट। तो ये आपके सवाल का जवाब ये है। जाएंगे या नहीं जाएंगे, सोच क्या है, क्या किधर? अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है या आपकी तरफ से, अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो आपको साथ लेके जाके बात करता हूँ मैं। मैं हमेशा जो है मैं जरांगे साहब, देखिए सुनिए एक मिनट, मैं जरांगे साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने खड़े हुए अपने समाज के लिए, और उनके खड़े रहने की वजह से 8 मराठा एमपी को उन्होंने कामयाब कर दिया। बीड़ से उन्होंने पंकजा मुंडे को शिकस्त हो गई, तो ये उनकी कामयाबी है ये। मगर कामयाबी जहाँ उनकी हो रही है, जो मुस्लिम समाज की कामयाबी क्यों नहीं हो रही है? और ऐसे ही हमको लड़ना है मुस्लिम समाज को भी अपने राइट्स के लिए, और इंशाल्लाह हम वो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। दूसरी पार्टियां तो सिर्फ मुस्लिम, दूसरी पार्टीज तो सिर्फ मुस्लिम वोट को लेना चाहती है, कैंडिडेट नहीं दे सकते। तो इम्तियाज साहब ने सही कहा, आज आपके महाराष्ट्र काउंसिल में ना, काउंसिल में तो कोई नहीं है मुसलमान। तो ये महाराष्ट्र के 11% मुसलमानों के लिए एक बहुत ही तकलीफ दे बात है। अगर उनकी तरफ से कोई बातचीत होती है हम बराबर बात करेंगे, वैसा हम अपने दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं। आप दलील साहब विधानसभा में जाएंगे या प्रेसिडेंट ही रहेंगे महाराष्ट्र? हाँ, जलील साहब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं फ्यूचर में। एक सवाल ये है कि इन फ्यूचर क्या प्लान है पार्टी का? अब ये बोल दिए ना अंकल, पूरा पूरा बोल दिए इनिशियल। अब राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के हैसियत से अभी लोकसभा में बोल रहे हैं, तो उनके पास स्ट्रेंथ है, उन्होंने 10% उनके पास आ गए, उन्होंने LOP बन गए, ये है। कल विधानसभा की सीढ़ियों पे संजय राउत ने चंद्रकांत पाटिल को कहा है कि अपने को फिर से एक बार साथ आना चाहिए बीजेपी और शिवसेना। देखिए मैं आपको जैसा बताया ना कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे उसमें। कौन कब कहाँ किसके पास जाने वाला है, कौन किसके साथ अलायंस करने वाला है। अच्छा, आप लोग वो प्रोग्राम में जाने का भी है, याद रखिए मेरा प्रॉब्लम कितनी है, याद दिला रहा हूँ, आप याद दिला रहा हूँ। एक आखिरी, लोकसभा चुनाव के बाद आप पहली बार प्रेस ले रहे हैं मतलब यहाँ पे, तो ये जो महायुति को जो फटका पड़ता है अजीत पवार साथ में जाने के लिए, हाँ महायुति के साथ अजीत पवार साथ में गए इसीलिए महायुति की सीट लोकसभा में अच्छे खासे गिरे, तो आप कैसे देखते हैं ये महायुति सरकार को विधानसभा के अंदर? देखिए उसमें मैं कैसा बोलूं किसी और पार्टी के बारे में, मैं तो मेरा गम बयान कर रहा हूं, मैं तो मेरी तकलीफ आपको बयान कर रहा हूं, मैं तो बयान कर रहा हूं कि किस तरह से मेरे जो ख्वाब थे, मेरी जो उम्मीदें थी, उसको सब मिलकर तोड़ने की कोशिश करें। मेरा मैं कोई मेरा गम भी तो समझे, कोई मेरे ख्वाबों को भी तो कोई देखे, कोई मेरे वजूद को तो माने। अब मैं कब तक दूसरों के बारे में बात करूं? कब तक? 50 साल हो गए, 18 लोकसभा के इलेक्शन हो गए, मैं कब तक उनके ख्वाबों को पूरा करूंगा? मैं कब तक अपने आप को ख़त्म करके अपने उनके महलों को तामीर की इजाज़त दूंगा? मैं कब तक अपनी उम्मीदों को और अपने ख्वाहिशात को दबा दूंगा किसी और की खुशी के लिए? ये तो इंसाफ नहीं है ना, ये तो इंसाफ नहीं है। एक बात सुनिए, ये जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने 4 जून से, मैं आपको बोला कि इतने 10 से ज़्यादा मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया मध्य प्रदेश में, यूपी में, कई जगह पर घरों को तोड़ दिया गया, बल्कि
आप ही के बरादरी के मीडिया के लोगों ने एक मॉब लिंचिंग को रिपोर्ट किया तो ये नया कानून के तहत उन पे केस बुक कर दिए। तो अब फ्यूचर में क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं अपनी हथेली को देखकर तो बोल नहीं सकता, ना मैं आसमान के तारों को देखकर बोल सकता। मैं ज़रूर ये बोल सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा तकलीफ में अगर कोई आज है तो भारत के मुसलमान हैं। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और समझना भी चाहिए। वोट डालने वाले बन गए मगर उनको कोई जिताने वाले तैयार नहीं। पिछले 5 साल में तुम्हारे जाने का है ना, लोकसभा नहीं जाते, मैं ही पसंद आ गया तुमको। एक लास्ट सवाल पूछा, अभी आप अधिवेशन में गए होंगे, कौन से अभी लोकसभा के? हाँ हाँ गए ना। पिछले 5 साल आपके साथ कोई कभी बैठता था? हाँ। अभी जब आप गए तो वहाँ पे याद आए ना? मैं यकीनन इम्तियाज जलील मेरे को बहुत याद आया। इम्तियाज जलील को, इम्तियाज जलील मेरे, मैं जब ओथ लिया तो मेरा ओथ बड़ा फेमस हो गया पूरी दुनिया में। आप लोगों ने, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। नहीं सुन रहे, कोई ठहरो, इम्तियाज जलील मेरे को पैगाम भेजा है, असद भाई आप ओथ लिए और बहुत अच्छा लिए। तो मैं उनको मैसेज करा, यार इम्तियाज तुम्हारी कमी बड़ी महसूस हो रही है। यकीन है मेरे को कमी महसूस हो रही। हम दो थे भाई मगर पूरों पे भारी थे हम लोग, मगर ठीक है, अल्लाह का जो फैसला है, मैं अकेला हूँ तो लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। मैं पहले भी 15 साल अकेले था और अपनी जितनी मेरे से कोशिश हो सकती है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अपनी बात को रखूँगा। मगर सवाल ये है कि नुकसान किसका हो रहा है, किस कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है, किस समाज को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका रोक रहे हैं। इतना बड़ा प्रदेश है ये, भारत का दूसरा बड़ा प्रदेश है, फाइनेंशियल कैपिटल पूरा देश का इस प्रदेश में है, और वहाँ से आपका एक मुसलमान एमपी नहीं है। कौन सा सेकुलरिज्म के तुम बाजे बजा रहे, कौन सा मॉरल विक्ट्री ये लोग बोल रहे हैं? इनको तो आईने में अपना चेहरा देखकर बोलना चाहिए मॉरल विक्ट्री। व्हाट मॉरल विक्ट्री इज दिस? ये मॉरल विक्ट्री नहीं है, दिस इज अ विक्ट्री ऑफ हिंदुत्व, दिस इज अ विक्ट्री ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। ये है सच्चाई।